वीरपुर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकन को भी दबाएं ताकि हर आने वाली न्यूज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जी हां, एक खिताई पीर पंचाल है। फितरत ने फुलकारियां संघारिया सिंगारिया ना खिता, रियासत जम्मू व कश्मीर ना हिस्सा है। ये रियासत 15 मार्च 1846 की जम्मू ने राजा गुलाब सिंह का अंग्रेज सरकार ने बशकार एक मुआहदे मुजब वजूद विच आई। इस नवी रियासत विच इलाका जम्मू ने इलावा वादी कश्मीर लद्दाख गलगित ते इलाका पीर पंचाल भी शामिल कीता गया सा। पीर पंचाल ना खिता वादी कश्मीर ने जनूब ते जनूब मगरबी पहाड़ी चोटियां थी शुरू हुई पुंछ राजौरी मीरपुर पिंबर उड़ी ते मुजफ्फराबाद तोड़ी चलिया गया है। 1947 ने वाकयात मगरू हदे मतारका जिसकी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी आखनीन खिताए पीर पंचाल ने ऐन बशकार कायम हो गया ते इलाका मीरपुर कोटली बाग रावला कोट ते मुजफ्फराबाद सरहद ने उस पार रही गी। पर सरहद ने दोवा पासे रहने आले लोकानी न सिर्फ जबान एक है तहजीबी ते सकाफती विरसा भी सांझा है। सबू लोकां विच आपसी रिश्तेदारियां भी कायम हैं। इस खित्ते विच दो तरह ने कबाइल आबाद हैं यानी गुज्जर बकरवाल ते पहाड़ी कबाइल। गुज्जर और बकरवाल जिन्हां ना तारीखी पस मंजर ते सकाफती विरसा बड़ा कदीम ते उन्हानी मां बोली गोजरी जबान है। गुजरानी बड़ी तादाद नी रोजी रोटी न दारो मदार माल बच्चा पाली ते निक्के निक्के बड़ा विच हाल भाई ता होना है। ये लोग आम तौर पर जंगला ते बैकाने नेड़े कच्चे कार कोठियां विच बसने ते नीच कबायली तर्ज जिंदगी गुजारने हैं। गुजराना ओ तबका जड़ा खाना बदोशिया पैडा पारू ने खिलियां ते अजड़ा संग कोड़ियां पर माल समयान लद्दी कै का पठे नी लोड़ विच एक जगह थी दूजी जगह नकल मकानी करना तंबुआ विच रहना टोका मरगा ते बैका विच अकीर बालना ते ढेरे लाना या उन्हां की बकरवाल आखने हैं। पीर पंचाल ने खित्ते दी रहतल ना सब थी बड़ा हिस्सा पहाड़ी कबाइल पर मुश्तमिल है जड़े थुनी जद्दी पुश्ती कबाइल मन्ने जाने हैं। ये ओई कबाइल हैं जिन्ना की तारीख विच कश्मीर ना मुहाफिज ते निगेबान ना नाम दिता गया है। इननिया बस्तियां एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल ने अरार तक पार दो पासे खिंडियां नी हैं। पाड़ी लफज थी मराद पावे पाड़ा विच रहने वाले लोका नी होनी है पर रियासत जम्मू कश्मीर विच पहाड़ी उस कबाइल नी शनाखत नी अलामत हैं जिन्हानी मां बोली पहाड़ी जबान है ते जड़े खिताए पीर पंचाल विच आबाद हैं। मशहूर अंग्रेज सिया फ्रेडरिक ड्रियोरा अपनी किताब द नॉर्दर्न बैरियर ऑफ इंडिया विच पहाड़ियां की एक मजबूत मेहनती ते चुलबुली तबीयत आले ताकतवर कबीले ने तौर पर शनाखत कीती है जिन्हानी मादरी जबान पहाड़ी है। पहाड़ी बतेरियां जातां ते फिरकियां विच बंडे ने हैं जिसरा मलक जराल चिब सुदन थकियाल टोंग धमाल पीरोजाल खगड़ खखे बम्बे जट राठौर तमाल सैयद कुरेशी पठान वगैरह। इनकी छोड़ी ओ हिंदू ते सिख लोग जड़े इलाका पीर पंचाल रहने हैं जिन्हाना पहनावा खाइबा ते जबान पहाड़ी है ओ भी पहाड़ी कबाइल ना हिस्सा गिने जाने हैं। ये सारे लोग मुश्तरका जबान ते विरसे ने रिश्ते विच बदे ने हैं। पहाड़ी जबान ना असली रस्मुल खत लुंडे या टाकरी मनिया गया है पर आजकल पहाड़ी की शाहमुखी रस्मुल खत विच लिखिया जाना है।
खड़ी शरीफ मीरपुर ने सूफी शायर हजरत मियां मोहम्मद बख्शोरानी किताब मसनवी सैफल मलूक जदीद पहाड़ी की पहली किताब मनी गई है जड़ी की 1892 और 1907 ने बश्कार लिखन हुई सी। इस थी बाद पहाड़ी विच बैत ते सीआरफियां लिखने ना रवाज पिया बख बख इलाकियां विच पहाड़ी ने मकामी ना भी लबने हैं जिसरा मीरपुरी चबाई पुंछी पोठारवी हिंदको ते कागानी पर तलफज ते लफज ने निक्के मोटे हेर फेर की छोड़ी ए इको जबान है जिसकी पहाड़ी आख्या गया है ते जड़ी पीर पंचाल ने पूरे खित्ते विच फरावानी संग बोली ते समझी जानी है। अन्ने ये आपू ने गाना तुहारी दादी ने सी खुडाल फुनाई ते ग्रहिए नी किस तरह होनी लड़ाई। खिताए पीर पंचाल नी तारीख ने डांडे अहदे कदीम संग जाई अरलने हैं अज भी ग्रामा विच पुरानी तहजीब ने आसार बावलियां ते धंधे पुराने वक्तानी बुत तराशी ने नमूनियां थी लबी जानी है। पांडु महल कालाकोट ने खंडर इस गल नी गवाही देने हैं कि कुसे जमाने विच पीर पंजाल ना खिता आला ताजीब ना मरकज होना सा। कलहन्नी राज तरंगनी मुजब 10वीं सदी ईस्वी ने कोल काल इलाका पीर पंजाल ना खिता त्रिया हिस्सों विच बंडिया ना सा यानी रियासत लोअर कोट पुंछ रियासत राजपुरी राजौरी ते रियासत कोटली जिथे पहाड़ी हिंदू राजे अपनी हकूमत करने हुए सन। फिर इस्लाम की फरोग हासिल होया ते इस खितेनी आबादी ना एक बड़ा हिस्सा मुशर्रफ बा इस्लाम हो गया। इसरा 19वीं सदी ने आगाज विच इथे मुसलमान राजियां ते सुल्तानानियां कोई 15 रियासतां राजवाड़े ते जागीरां कायम सन जिन्हा विचों रियासत राजौरी रियासत पुंछ ते रियासत मुजफ्फराबाद काबले जिक्र पहाड़ी रियासतां होनियां सन। इन सारियां रियासतां जागीरां ते राजवाड़ियां की 1819 और 1846 ने बश्कार खालसा सरकार लाहौरनिया फौजां एक एक करी पामाल कीता सा। फिर 1846 विच जदू राजा गुलाब सिंह रियासत जम्मू तक कश्मीर ने महाराजा बनी गए ते उन्हा पीर पंचाल ने दामन विच वाकया पहाड़ी सुल्ताना ते राजियानिया राजवाड़ियां ते जागीरां की खत्म करी अपनी नवी रियासत विच मदगम करी दिता। इलाका पीर पंचाल विच आम तौर पर बस्तियां ते ग्रां पहाड़ी टलवाना ते निक्कियां निक्कियां काटियां विच आबाद होने हैं जिथे कार कोठे ठिंडे खिलरे ने होने हैं लोग अपने मकान अपनियां जमीनां ने विच ही तैयार करने हैं आवाम नी रोजी रोटी न दारो मदार जिमेदारी करने ते माल चोखर पालने पर होना या। आम तौर पर मक्क नी काश्त होनी है जड़ी के आवाम नी रोजमर्रा नी खुराक है आबी जमीना विच ताई भी लाए जाने हैं। पावे उन पक्के मकान बनाने ना रवाज पैना पियाया पर अले भी ग्रावां विच मकान लकड़ी पत्थर ते गारे ने इस्तेमाल नल तैयार होने हैं। मकान दो छत्ते होने हैं बुलने इससे की डबाख्या जाना है जिथे डंगर बच्चा बदया जाना या फिर स्याले विच डेरा भी तरिया जाना या उपरला हिस्सा खुले पसार बैठक कोठार आले कमरे ते रसोई खाने विच बंडियाना होना या रसोई की बड़े सलीके ते सफाई नाल रखिया जाना या चुल्ले ने नेड़े छीड़े बनाए जाने हैं जिन्ना ऊपर कालसीरियां चित्रकारी करनी हैं। रैतल ने खुराक बड़ी सादा ते स्वादली होनी है फेरी वेले शीरी चाह
ते मखने फुलके पसंद किते जाने हैं, जबकि गरीब घरां विच कावे ते सत्तू ना इस्तेमाल भी होना है। दिहाड़ी लस्सी रोटी साग ते लून मरचीनी चटनी आम तौर पर खादी जानी है, जबकि रात वेले दाल चावल कुकड़ मांस ते कड़ी वगैरह परोसे जाने हैं। फसलां नी कपाई समाई आवे या फिर लेतरी आवे, अजिया मौकियां पर टोल नी थाप पर गबरू कठे रली मिली कै काक अपने हैं, काक अपने मगरू मजमानी खिलाई जानी है। खिताए पीर पंचाल नी रैतल ना बड़ा पहाड़ी हिस्सा रवायती पोशाक लाना या, मर्द खुली सलवार लम्मी कमीज वास्कट लुंगी साफा या फिर कुल्ले वर पगड़ी मुंडे वर चिट्टी पट्टी ते हाथ विच बैग या सोटी रखनी है। ग्रानियां कालसिरियां ताजिकस्तानी टोपी लम्मा छिपरा सरवर रखनी है, छीट ने सूट पसंद करनी है, आम तौर पर एक छीट नी कुर्ती ते सलवार लानी है। कुड़ियां ते मटियारां चांदी ने गहने जेबे तन करनिया हैं, इन्ना जेवरां विच हमीलां दोलड़े मरीदे लोंग छल्ले सुननिया छापां ते गानी काबले जिक्र है। लोक अदब कुसै भी इलाके नी अवामी जिंदगी ना शीशा होना है, जिस विच उत्थों नी रैतल नी तर्जे जिंदगी लश्कनी रहनी है। पीर पंचाल ने इलाके ने अवाम ना लोक विरसा भी बड़ा मिठा रसीला ते स्वादला होना है। सारे लग गए ने चुनिया ते कबर उपर लिखी मरे सा साड़ा कोई नहीं दुनिया ते, चन माड़ा चढ़िया वे जई लगा सा मोटे माड़े दिल विच बसिया ना जाया होठे, मिलिया जरूर माड़ी जान वे मिलिया जरूर माड़ी जान वे। जिंदा गीत ले लो, इस गीत विच 18वीं सदी ने एक पहाड़ी आशिक जिंदा ते उसनी महबूब नाहिद ने इश्क की दास्तान पेश की गई है। ग्रावां विच कुड़ियां जदू माल चारनियां हैं ते कुसे नक्के पर बेई के अपने महबूब या फिर बाबल की याद करनी है। इलाका पीर पंचाल ने लोक अदब ना अहम हिस्सा सूफियाना शायरी पर मबनी है, जिसकी कलाम आख्या जाना या। इस शायरी विच मार्फत निया गल्ला ते इश्क मजाजी की रमस बनाई कै इश्क हकीकी ने राज बयान कीते जाने हैं। इस सूफियाना कलाम बैतां सी हरफियां ते बारह मासे नी सूरत विच गाया जाना या। रे रुस बैठूं मेरे यार टोला तड़प में इस बन खुआर फिर भी इस खिता ने आवाम ने कुछ बखरे लोक नाच भी हैं, जिन्हां ने नुहार तैमुआर निवेकली ते नीच पाड़ी है। इन्हां विच मांगा नाच सरफहरिस्त है।
پیر پنچال علاقہ نی ریتل نے مشغلے تے کھیڈا وی بڑی خوبصورت ہونیاں ہیں. بگدر چھنگنا مردنی کھیڈ بننی جانی ہے. زور ازمائی نے ایک کھیڈ سرحد میں دونوں پاسے کھیڈی جانی ہے. بینی چھڑانا وی زور ازمائی نی کھیڈ ہے. ایک کھیڈ عام طور پر بیاہ شادیاں تا فصلاں نی سمائی مگروں بیلے وقت وچ کھیڈی جانی ہے. گتکا پاویں نیچ سکھانی کھیڈ منی جانی ہے تے دوجے علاقیاں وچ وی گتکا کھیڈیا جانا ہے. پر پاڑی سکھ گتکے کی پاڑی انداز وچ کھیڈنے ہیں. علاقہ پیر پنچال نے گراواں وچ ہور وی مچ ساریاں کھیڈاں مقبول ہیں. جس طرح بیلے وقتاں وچ لوگ اپنے گھوڑیاں کی نچانے تے لڑانے ہیں. اس طرح لوگ شرط بننی بننی اپنے ہنڈو لڑانے ہیں. بکرے بھی کدرے کدرے لڑائے جانے ہیں. ککڑ لڑانے کا رواج تے عام ہے. خطہ پیر پنچال وچ رہنے والے لوگ کشمیر میں صوفی ازم کی متاثر رہے ہیں تے درویشاں تے صوفی بزرگاں نوں احترام کرنے ہیں. جنہ پہاڑ نے علاقے وچ نہ صرف اسلام کی فروغ دتا بلکہ دوجے مذہبانی عزت کرنا کل عالم نی پلائی منگنا تے ایک دوجے کی برداشت کرنا بھی سکھایا ہے. اس واسطے یہ درگاواں اتھوں نے سانجے ثقافتی تے تہذیبی ورثے نی علامت وی ہے. اس خطے دیاں مشہور درگاواں وچوں شہدارہ شریف زیارت سر فہرست ہے. کسیرا پونچھ وچ سائیں میرا بخش درویش شورانی زیارت پر ہندو مسلمان تے سکھ سب دھرماں دے لوگ مراداں منن آونے ہیں. ڈیرہ سنت پورا ننگالی صاحب علاقہ پیر پنچال نا ایک اور متبرک استھان ہے جتھے 1802 وچ سنت بھائی میلا سنگورا راولا کوٹ تو آئی ڈیرہ تریا صاحب. اس مقام پر ہر روز سنتانی رول پول لگی رہنی ہے. اسی طرح پیر پنچال نیاں پاڑیاں نے بشکار علاقہ منڈی وچ سوامی بڈھا امرناتھ نا آستھان ہے. رکھڑی نے میلے اوپر اتھوں نے ہندو تے مسلمان رلی ملی کے تیوہار منانے ہیں. تے مقامی مسلمان پرا یاتریوں کی چائے پانی تے ڈونگی محبت پیش کرنے ہیں. اس وچ کوئی شک نہیں کہ خطہ پیر پنچال دلیر بانکڑے تے مردی والے قبائل نا علاقہ ہے. انہاں لوکاں نا تہذیبی ورثہ تاریخی پس منظر اتھونی ریتل کی بکھرلی تے نویکلی پہچان دینا ہے. انہاں لوکاں نوں ایک اور پہچان آپسی میل ملاپ ہے. ہن جدوں پیر پنچال نے پہاڑاں پر امن تے دوستی نا سورج نشکن لگایا تے ہندوستان تے پاکستان نے حاکم کلاوا چڑی ملنے پی ہے. امید جگی پئی ہے کہ پنچ راولا کوٹ سڑک کھلی جاسی جس نال 52 سالا تھی بچھڑے نے سرحد نے دواں پاسے نے لوگ تے برا پائی ایک دوجے کی ملسن خوشیاں تے باراں پھر اس خطہ پیر پنچال وچ دیرے لاسن. اس خطہ نے قبائل اپنے تاریخی سماجی تے اقتصادی شناخت کی قائم رکھی. ایک بار پھر روشن مستقبل نے سفر پر نکلی پیسن. شہر بازار کا مال
This is the Peer Panchal region. Nature has bestowed it with flowers and greenery. This region is a part of the Jammu and Kashmir state, which came into existence on the 15th of March 1846 after a pact between Raja Gulab Singh of Jammu and the British government. Besides Peer Panchal, the new state was comprised of Kashmir Valley, Ladakh, Gilgit and Hamza, etc. Peer Panchal region is located in the south and southwestern side of Jammu and Kashmir state, which includes Poonch, Rajouri, Mirpur, Bhimber, Uri and Muzaffarabad. Before 1947, its boundaries touched District Gujarat, Jhelum and Hazara of western Punjab, now in Pakistan. After the turmoil of 1947, when the line of actual control was drawn in the heart of this region, the districts namely Mirpur, Bhimber, Kotli, Bagh, Sadnuti, Rawalkot and Muzaffarabad came under the occupation of Pakistan. But there is a similarity of language, culture and lifestyle among the people living along both the sides of the line of actual control. The population of the region is divided into two tribes, that is Gujjar Bakarwals and Paharis. The Gujjars have a unique type of lifestyle, historical background and cultural heritage. The livelihood of a large part of the population of this tribe depends upon rearing of cattle and agricultural activities. These people normally have their habitations near the forest areas. They live in kacha houses and have a distinctive and typical tribal lifestyle. Those Gujjars who are homeless and landless are nomadic and move in tribal caravans along with herds of goats, flocks of sheep, fleet of horses from the highland to the pasture in search of fodder for their cattle. Normally they pass their nights around campfires and live in tented colonies. They are known as Bakarwals. The majority of the population of this region are known as Paharis, although the word Pahari means people of the mountains, an all-embracing term, yet it is restricted to those tribes in Jammu and Kashmir state whose mother tongue is the Pahari. An English writer, Frederick Drew, in his book, The Northern Barrier of India, has described the Pahari as strong, hardy, brave, tough, an active race. Paharis are divided into a number of sub-castes like Malak, Jiral, Chid, Sudan, Thakyal, Tond, Damal, Pirozal, Khagar, Thakke, Bombay, Jat, Rathor, Tamal, Sayyid, Qureshi, Pathans, etc. Those Hindus and Sikhs who live in Peer Panchal region and speak the Pahari are also known as Paharis. The original script of the Pahari was Lunde,
or Takri. But nowadays, Pahari is written in Shahmukhi script. The Pahari has sub-names also, like Mirpuri, Chabai, Unchi, Potharvi, Hindko, Kagani, etc. Similarly, Saiful Malook is another form of Sufiana Kalam which is most popular in Peer Panchal region. The history of the people of this region is very ancient. In almost